सॉरी गाइस, सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय रोड। तो हम फिर से नया बिस्किट बॉक्स चैनल। तो आज हम फिर से नया बिस्किट का रिव्यू करने वाले हैं, पर इस टाइम मैं हूँ इंडिया में हूँ गाइस, पर मैं लाया हूँ बिस्किट जापान से। मैं जापान गया गाइस, जापान से लाया हूँ मैं बिस्किट। मजा किया गाइस, ठीक है। जापान से जो आता है बिस्किट वो आता है मीजी शिनचैन का फेवरेट बिस्किट, जो आपको पता है ना, कमेंट कर देना वो कौन सा है, ठीक है। वो एक्चुअली रहता है, ठीक है, काम कर देता हूँ मैं, दिखाई देता हूँ कौन सा आता है। मीजी की तरफ से आने वाला हेलो पांडा चोको चिप्स, तो फ्रेंड्स ये आता है शिनचैन का फेवरेट बिस्किट ये है, कमेंट कर देना गाइस, ठीक है, ये कौन सा बिस्किट है। जिसने भी कमेंट किया होगा हम नेक्स्ट वीडियो बताएंगे उसका नाम। ये इसकी प्राइसिंग है ना, और इसका ये डिजाइन, ये है ना एकदम इम्पोर्ट से आया रखा है करके, एकदम क्लीन पैकेजिंग एकदम बढ़िया से हुआ है इसका। ये बनता है इंडोनेशिया ने, अलग कंट्री ने, जापान से गाइस, ये आता है जापान से, इम्पोर्टेड है। इसकी प्राइसिंग बता दो आपको, ये नॉर्मली मुझे पता नहीं इसका कितना बिकता है प्राइस में, पर बता दो इसकी प्राइसिंग है कितना। 150 रुपीस जो बनाया अभी पहले वीडियो वो भी आया था, एक इम्पोर्टेड बिस्किट, ठीक है, वो बता देना वो कौन सा बिस्किट है कमेंट करके। इस टाइम मैं लाया हूँ ये मीजी की तरफ से आने वाला हेलो पांडा बिस्किट, ठीक है। आज इसका रिव्यू बताता हूँ मैं आपको कैसा लगता है, और बता दिया आप ये जापान में बनता है मैन्युफैक्चर। इसमें भी जो लैंग्वेज यूज किए गए वो जापनीज, मुझे इस बार भी पता नहीं चल रहा है गाइस, पर इस टाइम मुझे वो लिखा है कि एकदम हैश में दिख चुका है वो क्या है, सैचुरेटेड फैट, टोटल फैट। इस बार मैं बता सकता हूँ मैं आपको न्यूट्रिशन कंटेंट्स, इसमें आपको मिलता है टोटल फैट 10 ग्राम्स, इसमें टोटल सैचुरेटेड फैट मिलता है 4.5, प्रोटीन मिल गया गाइस हमको, इस बार प्रोटीन मिल गया, ओनली प्रोटीन बहुत कम है। आप जितना 3 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है आपको इसमें, टोटल शुगर मिलता है आपको इसमें 12, और टोटल कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं आपको इसमें 30। तो इसको अभी अनरैप करके देखते हैं, इधर से एक सील दे देते हैं इधर से, तो अंदर से एकदम क्या, इसके अंदर भी एक पैकेट है गाइस अंदर, ठीक है। अब इसको उसको बाहर निकाल के देखते हैं, तो ये इसका वेट है ना, ये बिस्किट का नॉर्मल है, ठीक ठाक है इसका वेट। तो उस काम करते हैं, इसको एक बाउल के अंदर निकाल के दिखाता हूँ आपको, दिखेगा अच्छे से। तो एक बाउल ले लेते हैं, अब इसको खोलता हूँ, जो खोलने के बाद इसका स्मेल आया ना गाइस वो अलग ही है स्मेल। तो फ्रेंड्स ये खाली हो चुका है, तो इसमें अंदर से एकदम क्या क्यूट बोलते, क्यूट तो आप बोल ही सकते हो, इसका डिजाइन से बोल सकते हो कि मैं क्यूट है। फर्स्ट बाउल में दिखाता है कैसे दिखता है, तो फ्रेंड्स ऐसे दिखते हैं हमारे हेलो पांडा के कुकीज जो भी आपके। तो इसके एक्चुअली प्रिंट हुए रखे थे इसके ऊपर, एकदम इसके एकदम क्या उसके डिजाइन भी है ना वैसे ही थे एकदम, वैसे क्या इसमें हार्ट शेप के थे, देखिए ऐसे ही है इसके इसके भी, ठीक है, पर वो प्रिंट थोड़ा सा निकल गया गाइस इसमें। तो उस काम करते हैं, इसको फर्स्ट स्मेल लेके देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि ये फ्लेवर तो है चॉकलेट फ्लेवर गाइस, ठीक है, इंडोनेशिया का नहीं गाइस, जापान का कैसा रहता पता नहीं। ओके गाइस फर्स्ट तोड़ के, ओके अंदर ऐसा चॉकलेट फीलिंग भरे हुए इसके अंदर। तो काम करते फर्स्ट अब इसका बिस्किट को फर्स्ट स्मेल लेके देते हैं, फिर टेस्ट बताता हूं आपको। तो ये एक फ्लेवर आ रहा है वो जो आप किंडर जॉय खाते हो ना, उसका जो एक क्या रहता है वो एक चॉकलेट कलर का बॉल रहता है ना, वो वैसा फ्लेवर आ रहा है इसका, वो तो स्मेल में ऐसा आ रहा है, खा के कैसा रहेगा पता नहीं गाइस। फिर इसका स्मेल लेके देखते हैं, बिस्किट तो नॉर्मल वैसे ही, इसमें कुछ ऐसा फ्लेवर ऐड नहीं किया गया। अब इसको मैं फर्स्ट फुल खा के देख लेते हैं, और इसके अंदर एकदम क्या क्रीम से इसके अंदर फिल नहीं हुआ है, वो बिस्किट है ना वो बिस्किट ही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ।
अलग ही फ्लेवर। मैं जस्ट बोलने वाला था कि जो क्या किंडर जॉय का वो फ्लेवर था उसका, वो तो बिस्किट में आया ही नहीं, एक्चुअली नहीं आया। ये एक्चुअली चॉकलेट का फ्लेवर डिफरेंट है। अभी जो नॉर्मली अभी से क्या समझ जाओ कि चॉकलेट लो, कौन सा भी लो, थोड़ा सा डार्क, थोड़ा लाइट सा डार्क चॉकलेट लो उसमें, और थोड़ा शुगर का फ्लेवर कम कर दो, उसके बाद जो उसका चॉकलेट का फ्लेवर निकल के आता है, थोड़ा सा कड़वा लगेगा आपको फर्स्ट टाइम खाने पर एकदम बाद में खाने में बढ़िया लगेगा। लास्ट में थोड़ा चॉकलेट का फ्लेवर इस बार मुझे थोड़ा अजीब सा लग गया, पर खाने में एकदम बिस्किट एकदम बढ़िया है गाइस। और जो इसके एकदम क्या लिखे हुए इसके अंदर, क्या क्यूट से डिजाइन बने हुए हैं इसके ऊपर, कैसे पांडा है ना, पांडा ऐसा कुछ खेल रहे हैं ऐसा लग रहा है, पर इसमें तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा गाइस। तो अभी काम करते हैं, इसके साथ शुरू करते हैं मेरा एक्सपेरिमेंट, जो आपको पता है ना तो कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट विद हेलो पांडा बिस्किट्स। तो अभी मैं देखा हूँ सिंचान की जो एपिसोड आते रहते हैं, एक्चुअली मैं भी देखा हूँ सिंचान में जो एक खाते रहता है, उसकी मम्मा लाती है मुझे ये चौको चिप्स चाहिए मुझे चाहिए, एक्चुअली ये वही है, पर इसमें थोड़ा सा क्या हो गया, इसमें कलर चेंज है कि हेलो पांडा लिखा हुआ है। ये पैकेजिंग एग्जैक्ट कॉपी टू पेस्ट किए गए इसका पैकेजिंग, ठीक है, उस पर लिखे रहते हैं कोई ऐसे क्रोकोडाइल बने रहते हैं, इसमें पांडा लिखे हुए रहते हैं, ठीक है, वो अलग रहेगा ये अलग रहेगा, पर जो उसमें जो क्या एकदम बॉक्स शेप और पैकेजिंग एकदम सेम लग रहा है इसमें। तो काम करते हैं, इसका शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट। यार एक ग्लास नहीं बोलो, ये है बिस्किट, इधर से लेते हैं एक ग्लास पानी, इसका स्ट्रेंथ चेक करते हैं पानी में डाल के 5 सेकंड के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा लाइट बिस्किट ही है गाइस, ठीक है। 1 2 3 4 5 माइक में भी इतना गट जोर से आवाज आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो अभी काम करते हैं, इसको ऐसे ही टेस्ट करके देखते हैं। गाइस नो डिफरेंस, जब पानी में डाल के देखा नो डिफरेंस, खा के देखो वैसा ही वैसा सेम जो चॉकलेट का फ्लेवर है सेम, जो पानी में डाल के विदाउट देखा फिर भी सेम, जो टेस्ट है ना फ्लेवर एकदम बढ़िया है, और प्राइसिंग भी नॉर्मली मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ही है, क्योंकि मैं लगता है कि रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ कि आप इसको लीजिए, ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा ही प्राइसिंग है और यहाँ मिलता भी नहीं है। तो फ्रेंड्स अब हमारा वीडियो खत्म होना रहा है, तो वीडियो को जितना चाहे शेयर कीजिए, हमारे चैनल बिस्किट बॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें वीडियो को टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स के लिए कर देना, और जो भी हमारे नए व्यूअर्स आए देख के जा रहे हैं हमारे चैनल, तो ये फर्स्ट वीडियो होगा, हमारे पहले वीडियो पुराने वीडियो देख के जाना, ठीक है, और उस वीडियो को लाइक्स कर देना, फुल वीडियो देखना गाइस, ये वीडियो एकदम इंटरेस्टिंग है वीडियो, ठीक है। सो अभी हमें ये बोलना चाहते हैं, मैं रिकमेंड तो नहीं करता हूँ ये बिल्कुल ही, आप स्कूल में बर्थडे चिल्ड्रन को दीजिए, ये मिलेगा नहीं, तो ये इंटरनेशनल ऐसे कोई स्टोर्स मिलते होंगे आपको इंडिया में, उधर से लाया हमें, ठीक है, तो इम्पोर्टेड बिस्किट है गाइस, फर्स्ट एकदम बढ़िया है फ्लेवर, जो एकदम कि इसका टेस्ट है बहुत ही बढ़िया, इसमें लगता है कि मुझे एक्चुअली इसमें एग ऐड किया गया है शायद, मुझे लगता है, पर आप ही कमेंट कर देना, आप ये मुझे पता नहीं चल रहा है शायद एग है कि नहीं करके, वो आप कमेंट कर देना, ठीक है गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, साइनिंग फ्रॉम बिस्क्यूट बॉक्स।